कोई और सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं और आपको खांसी या उस तरह की चीजें ज्यादा बढ़ रही हैं, शिकायत बढ़ रही है, डॉक्टर से कंसल्ट करके आप हॉस्पिटल जा सकते हैं, आपको बेड मिल सकता है। आप ऐप पे जाएं, जिस हॉस्पिटल में आपको बेड है उसी में जाएं, इधर उधर ना भागें, वरना इधर उधर भागने में आपकी भी एनर्जी जाती है और हॉस्पिटल्स के आगे भी अन्यथा लाइन लगती है, हॉस्पिटल्स के आगे भी अन्यथा प्रेशर बढ़ता है। तो जिस हॉस्पिटल में आपके लिए बेड उपलब्ध है, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिए हैं कि कोई भी हॉस्पिटल अगर ऐप पर ठीक जानकारी नहीं देगा, यानी कि अगर बेड उपलब्ध हैं और एडमिशन नहीं देगा, या वो बाद में कहेगा मेरे पास गलत जानकारी हमने उपलब्ध कराई हुई थी और एडमिशन नहीं दे सकते, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दो हॉस्पिटल्स के खिलाफ कार्रवाई पहले भी कर चुके हैं। फिर से कहना चाहूंगा, पैनिक ना करें। एक और चीज जो मैंने नोट की है, मैं हॉस्पिटल्स में गया हूं, पेशेंट से भी मिला हूं और अटेंडेंट से भी मिला हूं जो बाहर खड़े हुए हैं, कोविड के समय में सारे डॉक्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपनी जान पे खेल के मेहनत कर रहे हैं। वो किसी भी कीमत पे आपकी जान बचाना चाहते हैं, भले ही उनको कोरोना हो जाए, पूरा का पूरा मेडिकल स्टाफ इस पे लगा हुआ है। मैं जब हॉस्पिटल में जाता हूं तो नीचे खड़े हुए अटेंडेंट को सबसे ज्यादा इससे शिकायत मिलती है कि साहब कई दिन हो गए हमारे पेशेंट को डॉक्टर ने नहीं देखा। मैं जब जाके उसी पेशेंट से हॉस्पिटल के अंदर मिलता हूं, वो भी कहते हैं कि हाँ जी डॉक्टर नहीं आए। जब डॉक्टर मेरे साथ पीपीई किट में खड़े होते हैं और मैं खुद पीपीई किट पहन के खड़ा होता हूं हॉस्पिटल में, तो मैं पूछता हूं ये डॉक्टर साहब ये आए थे आपके पास? वो आदमी कहता है हाँ जी मैं तो सुबह आया था, ये तो सुबह आए थे। अब क्योंकि पीपीई किट में डॉक्टर की पहचान नहीं होती, पेशेंट को लगता है कि जो व्यक्ति मेरे पास देखने आ रहा है, और ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों जगह से मुझे अटेंडेंट से शिकायत मिल रही है कि साहब हमारे हॉस्पिटल में हमारा पेशेंट भर्ती है और डॉक्टर ने उसको देखा नहीं है। पीपीई किट में डॉक्टर की ऐसे पहचान नहीं हो सकती है, और आपसे आके बात करके आपसे कंसल्ट करके चला गया। आमतौर पर पेशेंट को लगता है कि ये कोई जनरल अटेंडेंट होगा, जनरल ड्यूटी असिस्टेंस होगा, वो आके मेरे से हालचाल पूछ के चला गया है। डॉक्टर आके पूरी दवाई लिख के जाते हैं, बता के जाते हैं, चेक करके जाते हैं, रिपोर्ट करके जाते हैं, उनको पेशेंट को कई बार समझ नहीं आता। नॉर्मल केस में अटेंडेंट साथ में होता है, अगर नॉन कोविड केस होता था, नॉन कोविड पीरियड में अटेंडेंट साथ में होता है तो अटेंडेंट और पेशेंट को मिलकर पता चल जाता था कि भाई डॉक्टर आ गए। अभी डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर राउंड ले रहे हैं अंदर, वो पेशेंट्स को देख भी रहे हैं, लेकिन पीपीई किट में होने के नाते आपको पता नहीं चल पा रहा कि वो डॉक्टर थे। इसलिए ये इमेज हॉस्पिटल के बारे में ना बनाए, इस पैनिक में ना आए कि मुझे डॉक्टर्स ने नहीं देखा। हम सब मिलके, जैसा मुख्यमंत्री जी कहते हैं, हम सब मिलके कोरोना से लड़ेंगे। सबने लॉकडाउन लगाया है, लॉकडाउन का फॉलो करें और पैनिक ना करें। सरकार ने, जैसा मैंने कहा, 6000 बेड्स को बढ़ा के 19000 कर दिया है और अभी 2700 बेड्स अगले हफ्ते के अंदर अंदर दिल्ली के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में और जुड़ जाएंगे। यही मुझे आपके सामने रखना था। थैंक यू।